हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आज का वीडियो होने वाला है उत्तराखंड के कुछ फैक्ट्स के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि नाम से जाना जाता है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड को वीरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में भारतीय सेना के दो प्रमुख रेजिमेंटल केंद्र है, कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल राइफल। उत्तराखंड के ज्यादातर परिवारों में से हर एक बच्चा फौज में भर्ती होता ही होता है। तो बात कर लेते हैं दूसरे फैक्ट की। विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर तुंगनाथ टेम्पल है जो कि उत्तराखंड में ही स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर तुंगनाथ टेम्पल है। माना जाता है कि ये मंदिर हजार सालों से भी पुराना है। तुंगनाथ टेम्पल अपनी ट्रैकिंग के लिए भी बहुत ज्यादा मशहूर है। आपको भारत के राष्ट्रीय पशु पक्षी के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड का राजकीय पशु कस्तूरी मृग है और पक्षी हिमालय मुनाल है और उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष बुरांस है। भारत का सबसे पुराना पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड के नैनीताल में ही स्थित है। उत्तराखंड के नैनीताल का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिसे 1936 में बंगाल टाइगर्स की सुरक्षा व संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय भी उत्तराखंड में ही स्थित है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय है जो कि उत्तराखंड के पंत नगर में स्थित है। इसी विश्वविद्यालय ने भारत में हरित क्रांति के मार्ग को आगे विस्तृत किया। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट फैक्ट के बारे में जो है वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में, यानी कि फूलों की घाटी के बारे में, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों में से एक माना गया है। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड की बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ अनेक प्रकार के फूल और पौधे पाए जाते हैं जिनका उपयोग मेडिसिन के रूप में किया जाता है। वनों की सुरक्षा के लिए फेमस चिपको आंदोलन की शुरुआत भी उत्तराखंड में ही हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1990 के दशक में उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के प्रतिपादन में हुई। इस आंदोलन में लोग, खासकर महिलाएं, पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो जाती थी ताकि पेड़ों के कटाव को रोका जा सके और उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल है जो कि उत्तराखंड से ही है। बचेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुआ था। ये 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। भारत के चार धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में ही स्थित है। इसके अलावा वहाँ तीन छोटे धाम अलग से है जिसमें है केदारनाथ धाम, यमुनोत्री और गंगोत्री। भारत की दो पवित्र नदियों का उद्गम स्थान उत्तराखंड में ही स्थित है। गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री और यमुना नदी का उद्गम स्थान यमुनोत्री कहलाता है। तो ये थे उत्तराखंड के कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।